हेलो वेलकम टू बी बैंकर दिसन जी सर दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत में दोस्तों सुनो सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश और इस वीडियो में लोग सीखेंगे रोज बोले जाने वाले आम बोलचाल के अंग्रेजी वाक्य और इसी के साथ हम लोग सीखेंगे सभी प्रकार के वाक्यों की जो आधारभूत स्तंभ है दैट इज हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के प्रयोग को सीखेंगे बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे आसान भाषा में सीखेंगे आसान तरीके से सीखेंगे बने रहिए वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास और इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से जुड़ जाइए हमारी क्लासेस से हमारी क्लासेस आती है हर रोज़ शाम 9 बजे जुड़ने के लिए क्या करना चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ ही बेल आइकन दबाना जैसे बेल आइकन दबाएंगे क्लास आएगी मैसेज आएगा क्लास आ चुके सीधे सीधे दिएगा व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करके भी हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले माय फ्रेंड बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1 तो चलिए शुरू करते हैं सीखते हैं दोस्तों पहला जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज इसका मतलब होता है इसका प्रयोग करेंगे आप सिर्फ और सिर्फ ही सी इट या नेम के साथ किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं बॉय गर्ल पुरुष स्त्री है ना इसका मतलब है और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के वाक्यों में करेंगे पहला जो वाक्य है दैट इज जैसे कि वह एक व्यापारी है ही इज अ बिजनेसमैन वह एक टीचर है ही इज अ टीचर वह एक स्टूडेंट है वह एक विद्यार्थी है ही इज अ स्टूडेंट क्लियर है तो ऐसे ही वाक्यों में आप करेंगे और दूसरा वाक्य है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस अर्थात काम जिसमें जो है चालू रहेगा जैसे कि वह खा रहा है तो खाने का काम क्या है चालू है he is eating क्लियर है नेक्स्ट इज am am का मतलब हूँ इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आप आई के साथ करेंगे ठीक है अगेन से इसका जो प्रयोग है वो दो प्रकार के वाक्यों में होगा दैट इज मैं एक विद्यार्थी हूँ मैं एक टीचर हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ आई एम अ स्टूडेंट आई एम लग गया क्लियर है एंड दूसरा जो वाक्य है काम चालू जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ने का काम चालू है आई एम स्टडिंग नेक्स्ट इज आर ए आर ई आर आर का मतलब है या हो इसका प्रयोग करेंगे आप वी दे यू के साथ वी अर्थात हम लोग हम सब दे अर्थात वे लोग वे सब यू अर्थात तुम सब आप लोग ठीक है और हो जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यू के साथ आएगा ठीक है अगेन से इसका प्रयोग दो प्रकार के वाक्यों में होगा दैट इज हम लोग विद्यार्थी हैं हम लोग स्टूडेंट हैं वी आर स्टूडेंट वी आर टीचर्स वी आर डॉक्टर्स वी आर बिजनेसमैन क्लियर है समझ में आया नेक्स्ट इज काम चालू वाला है ना हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ने का काम चालू है वी आर स्टडिंग समझ में आई चीज चलिए नेक्स्ट है वॉज और वर इसका मतलब होता है था थे थी दोनों का सेम मतलब है सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉज के प्रयोग को वॉज का प्रयोग आप करेंगे दोस्तों ही सी इट नेम और आई के साथ भी इसमें वॉज लगेगा मतलब वही रहेगा था थे थी ठीक है निर्भर करेगा वाक्य पे प्रयोग देखिए जैसे कि आई वॉज अ बिजनेसमैन मैं एक व्यापारी था ठीक है अगेन से फिर से हम लोग इसमें दो ही प्रकार के वाक्य में यूज़ करेंगे और यहाँ पे दो प्रकार के वाक्य कहने का मतलब मेरा ये है एक्टिव सेंटेंसेस देखिए दो प्रकार के वाक्य होते हैं एक होता है एक्टिव वॉइस एक होता है पैसिव वॉइस तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस एक्टिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट इज मैं दौड़ रहा था आई वॉज रनिंग मैं दौड़ रहा था आई वॉज रनिंग चलिए वर का प्रयोग को देखते हैं वर में थे थी दोनों आएगा ठीक है यू वी दे के साथ इसका प्रयोग होगा यू अर्थात तुम वी अर्थात हम दे अर्थात वे वाक्य देख लीजिए वी वर प्लेइंग हम लोग खेल रहे थे वी वर प्लेइंग हम लोग खेल रहे थे वी वर बिजनेसमैन हम लोग व्यापारी थे समझ में आया वर का प्रयोग और वॉज का प्रयोग क्लियर है दोस्तों अब देखते हैं विल का प्रयोग विल का मतलब होगा गा गे गी रूल है आई ही सी इट नेम यू वी दे सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं वाक्य देखिए जैसे कि वह पढ़ाई करेगा ही विल स्टडी विल आ गया ठीक है जिस भी किसी हिंदी वाक्य में गा आता है तो वहाँ पे विल लगना तय है कुछ केसेस में वुड भी लगता है ना वुड भी लगता है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं विल की क्लियर है चलिए ही विल बी स्टडिंग वह पढ़ रहा होगा या वह स्टडी कर रहा होगा क्लियर है तीसरा वाक्य देखिए वह पढ़ चुका होगा ही विल हैव स्टडीड वह पढ़ चुका होगा ही विल हैव स्टडीड तो तीन प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग
होता है. क्लियर है, समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैन और मे. कैन जो दोस्तों क्या होता है, जिस किसी हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हैं, तो आप कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं. ठीक है, कब कैन लगाना है, कब मे लगाना है वो मैं बताऊंगा अभी. रूल समझ लीजिए, रूल क्या है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, सभी प्रकार के सब्जेक्ट, सभी प्रकार के कर्ता के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं. कैन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है, मेनली मुख्य रूप से जो है एबिलिटी दिखाते हैं, योग्यता दिखाना, जैसे कि हम लोग यह कर सकते हैं, तो सकते हैं देखिए आ गया, वी कैन डू दिस. क्लियर है. और मे का प्रयोग करेंगे परमिशन, निवेदन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो ये देखिए सकता हूँ आ गया, तो सकता हूँ, सकते हैं, सकती है ना, ये जब से ही दिख जाए तो या तो कैन लगता है या तो मे लगता है. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुड. जिस किसी हिंदी वाक्य अंत में लास्ट में आपको देखिए सका, सकी, सके, या सकता था, सकते थे, सकती थी. ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि पास्ट ऑफ कैन है, कैन का ही पास्ट होता है कुड, तो कैन जैसे एबिलिटी दिखाता है तो कुड भी एबिलिटी अर्थात योग्यता ही दिखाएगा. ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग कीजिए, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ. क्लियर है. वाक्य देख लीजिए, जैसे मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट. ठीक है, एबिलिटी जो है दोस्तों, जैसे कि पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है ना, कुड का प्रयोग क्या होगा, एक पास्ट की एबिलिटी, जैसे मैं जब 8 साल का था तब मैं तैर सकता था, व्हेन आई वाज 8 इयर्स ओल्ड आई कुड स्विम. ठीक है, मैं तैर सकता था, समझ में. चलिए नेक्स्ट इज कैन बी. कैन बी जो है दोस्तों क्या होगा, जिस किसी हिंदी वाक्य अंत में आपको दिखे जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं. ठीक है, जैसे कि उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड, ही कैन बी चीटेड. समझ में आई, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए हैज और हैव. हैज और हैव, इसका प्रयोग होता है दो तरीके से, एक तो होगा मेन वर्ब के रूप में, जब इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तब इसका मतलब होगा पास है या रखना. ठीक है, पास है या रखना, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, मैं किताब रखता हूँ, आई हैव अ बुक. और हैव का प्रयोग आप करेंगे आई, यू, वी, दे के साथ. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, या वह एक कार रखता है, तो ही हैज़ अ कार. ठीक है, हैज़ का प्रयोग आप करेंगे ही, सी, इट और नेम के साथ. क्लियर है, समझ में आई. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में दोस्तों कैसे यूज़ होगा हैव का. हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब इसका यूज़ होगा तब इसका कोई मतलब नहीं होगा. ठीक है, आई, यू, वी, दे के साथ इसका प्रयोग होना है. आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड. आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में. और मेन वर्ब के रूप में क्या होगा, रखना या पास होना. क्लियर है. चलिए जैसे कि आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड. आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट इज जैसे कि उसने पढ़ाई कर ली है, उसने पढ़ाई कर ली है, तो ही हैज स्टडीड. ही, सी, इट, नेम के साथ इसका प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में. तो समझिएगा दो प्रकार से यूज होता है हैज हैव का, पहला मेन वर्ब के रूप में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में. मेन वर्ब के रूप में जैसे यूज होगा तो उसका मतलब होगा रखना या पास होना, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका कोई मतलब नहीं होगा, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा. हैव का प्रयोग आप करेंगे यू, आई, वी, दे के साथ. ठीक है, और हैज का प्रयोग करेंगे ही, सी, इट और नेम के साथ. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट है हैड. हैड का प्रयोग फिर अगेन से दो प्रकार के वाक्य में होगा, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. तो पहले हम लोग देखते हैं मेन वर्ब. मेन वर्ब का मतलब पास्ट था, इसका मतलब होगा रखना, जैसे कि पास्ट में आपने कुछ रखा था, पास्ट में भूतकाल में आपके पास कुछ था, जैसे कि दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था. क्लियर है. और हैड का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि वह पढ़ाई कर चुका था. अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब में आ चुके हैं. हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब में जब यूज होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा. ठीक है, ही हैड स्टडीड, वह पढ़ाई कर चुका था. और मेन वर्ब के रूप में जब यूज होगा तो उसका एक मतलब होगा, जैसे कि रखना, चूंकि मेन वर्ब है वो, है ना, लास्ट में ना आएगा, है ना. चलिए नेक्स्ट इज अबाउट टू. अबाउट टू का प्रयोग देखिए कैसे होगा दोस्तों, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए वाला हूँ, वाले हैं, वाली हूँ, है ना, या वाला है, तो उसका प्रयोग, जैसे मैं खाने वाला हूँ,
आई एम अबाउट टू ईट, आई एम अबाउट टू ईट. अबाउट टू का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अबाउट टू का पास्ट में आप कैसे प्रयोग करेंगे. जैसे कि हिंदी इसके वाक्य में आपको दिखेगा लास्ट में, वाला था, वाले थे, वाली थी. किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं. आई यू वी दे ही सी इट नेम. मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट. मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट. नेक्स्ट देखिए हैव टू का प्रयोग जिस किसी हिंदी वाक्य अंत में आपको दिखे, ना है, नी है, ने है, इसका प्रयोग आई यू वी दे के साथ होगा. जैसे कि मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, है ना. हम लोगों को जाना है, वी हैव टू गो. समझ में आई? चलिए हैज टू का प्रयोग देखिए, सेम टू सेम हिंदी वाक्य के अंत में आपको ना है, नी है, ने है दिखेगा, और इसका प्रयोग ही सी इट नेम के साथ आपको करना है. जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो, या सी हैज टू गो, मोहन हैज टू गो, मोहन को जाना है. ठीक है? चलिए इसी प्रकार से हम लोग हैड टू के प्रयोग को देखेंगे. इसमें दिखेगा ना था, ना था, या किसी स्त्रीलिंग शब्द में नी थी भी दिख सकता है. ठीक है? इसका प्रयोग आप करेंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ, आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ. जैसे कि उसे जाना था, उसे जाना था, ही हैड टू गो. ठीक है? क्लियर है? समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखिए डू डज डिड के प्रयोग को देखिए. अगेन से मैं बताऊं दोस्तों, जैसे हैज हैव का केस था, सेम टू सेम डू डज डिड का भी है. इसका भी दो तरह से यूज होता है, मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया के रूप में. सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग, बट उससे पहले जान लीजिए डू डज डिड जो है लगता कहाँ पे है. डू का प्रयोग आप करेंगे आई यू वी दे के साथ, डज का प्रयोग करेंगे ही सी इट नेम के साथ, और डिड का प्रयोग करेंगे किसी के भी साथ, आई यू वी दे ही सी इट नेम. क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए जब इसका मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तब इसका मतलब होगा, शाब्दिक अर्थ होगा करना, क्योंकि वर्ब है तो लास्ट में ना तो आना तय है. ठीक है? क्लियर है? चलिए प्रयोग देखिए. जैसे मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क. मैं अपना काम करता हूँ, करना. ठीक है? समझ में आई चीज? इसी प्रकार से देखिए वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, चूंकि डज लगता है ही के साथ, ही सी इट नेम के साथ डज लगता है. अब डिड जब लगेगा तो वही काम करना जो है वो काम किया हो जाएगा. जैसे हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क. हमने अपना काम किया, वी डिड आवर वर्क. क्लियर है? समझ में आया? चलिए मेन वर्ब देख लिया, मेन वर्ब सीख चुके, अब सहायक क्रिया हम लोग देखते हैं. दोस्तों सहायक क्रिया के रूप में इसका तीन प्रकार से प्रयोग होता है. एक होता है अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव में जब प्रयोग होगा तो जोर डालने के लिए होगा, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक, नेगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य. सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव वाक्य को देख लेते हैं जोर डालने के लिए. ये देखिए जैसे मैं खाता ही तो हूँ, मैं खाता तो हूँ मम्मी, आप इतना चिल्लाती क्यों हो. कहते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही नखरे करते हैं, आई डू इट, आई डू इट, मैं खाता ही तो हूँ, या मैं खाता तो हूँ. डस का प्रयोग देखिए, वह पढ़ता ही तो है, क्यों डांट रहे हैं बेचारे को, वो पढ़ता ही तो है, ही डज स्टडी, वो पढ़ता तो है. ठीक है? इसी प्रकार से डिड का प्रयोग देखिए, वो पढ़ता ही तो था, पता नहीं क्यों फेल हो गया. वो पढ़ता ही तो था, या वो पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी. क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इंट्रोगेटिव प्रयोग देखिए, प्रश्नवाचक प्रयोग देखिए, क्या मैं पढ़ाई करता हूँ, डू आई स्टडी. डज का प्रयोग देखिए, क्या वो पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी. इसी प्रकार से डिड का देखिए, क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी. समझ में आई चीज? चलिए अब नेगेटिव वाक्य में देखिए अर्थात नकारात्मक वाक्य में देखिए, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट स्टडी. डज का प्रयोग देखिए, वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी. क्लियर है? अब डिड का प्रयोग देखिए, उसने पढ़ाई नहीं की, सी डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड सी, और दोनों चूंकि दोनों ही आ सकता है, सी डिड नॉट स्टडी और ही डिड नॉट स्टडी, चूंकि उसने से पता नहीं चलता है कि वो लड़का है या लड़की है. ठीक है? चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कुड हैव का प्रयोग जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ जाए, सकता था, सकती थी, सकते थे. ठीक है? वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी. घबराना नहीं है, मैं आपको रूल भी बताऊंगा कैसे ये प्रयोग हो रहा है, उसको प्रयोग को भी सीखेंगे. दोस्तों वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा इसमें. ठीक है? और कुड हैव लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, और जो भी सब्जेक्ट है वो लगेगा. जैसे मैं एक सेब खा सकता था, सकता था दिख गया, तो मैंने क्या लगा दिया, कुड हैव लगा दिया. ठीक है? तीसरा फॉर्म खाना का, इट एट इटन, वो लगा दिया. मैक इंग्लिश, आई होती है, आई कुड हैव इटन. क्या एप्पल, एन एप्पल, वो लास्ट में चला गया, ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है, आई कुड हैव ईटन एन एप्पल. क्लियर है? समझ में आया? अब सो हैव के प्रयोग को देखिए जिस हिंदी वाक्य अंत में आ जाए, ना चाहिए था या नी चाहिए थी, किसी स्त्रीलिंग वाक्य में आ सकता है. मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन.
ठीक है, रूल बताऊंगा, रूल देखिए, रूल अगेन से वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा माय फ्रेंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट लास्ट में जाएगा, जो भी सब्जेक्ट लगेगा वो लगा देंगे, और चूंकि ना चाहिए था देखिएगा तो शुड हैव लगा देंगे, जैसे मुझे वहां जाना चाहिए था, मुझे वहां जाना चाहिए था, तो ना चाहिए था दिखा, शुड हैव लगा दिया, ठीक है, मुझे का इंग्लिश आई, जाना का गो होता है तो तीसरा फॉर्म लगाना है, वर्ब थ्री लगेगा, गो वेंट गॉन, आई शुड हैव गॉन कहाँ, वहाँ, तो लास्ट में चला गया, देयर, आई शुड हैव गॉन देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, क्लियर है। अब वुड हैव के प्रयोग को देखेंगे, वुड हैव में लास्ट में आएगा चुका होता, चुकी होती, चुके होते, ठीक है, आप लिख चुके होते, इतने देर से जो आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं ना, तब तक आप लिख चुके होते, आप लिख चुके होते, यू वुड हैव रिटन। रूल बताऊंगा, रूल क्या है, वर्ब थ्री लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में जब चुका होता दिखेगा आपको, तो आपको वुड हैव लगाना है, ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, जैसे मैं पिज्जा खा चुका होता ना, मैं पिज्जा खा चुका होता, तो चुका होता मुझे दिख गया, मैंने वुड हैव लगा डाला, मैं की इंग्लिश आई होती है, खाना का इंग्लिश ईट होता है, और तीसरा फॉर्म लगाना है, तो ईट एट इटन, आई वुड हैव इटन लग गया, क्या पिज्जा, तो लास्ट में चला गया, आई वुड हैव इटन अ पिज्जा, क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूज टू के प्रयोग को। भूतकाल की आदत, भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए यूज टू का प्रयोग होता है, जैसे कि वह धूम्रपान करता था, या वह धूम्रपान किया करता था, धूम्रपान अर्थात स्मोकिंग, ठीक है, ही यूज टू स्मोक, ठीक है, समझ में आया, ही यूज टू स्मोक। अक्सर लोग इसको सिंपल पास्ट से तुलना करते हैं, और सिंपल पास्ट और इसके बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ये भूतकाल की आदत को दिखाता है, ठीक है, ये भूतकाल की आदत को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट इज शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए चाहिए, इसका प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही सी इट नेम के साथ, वाक्य में इसके प्रयोग को देखिए, हमें जल्दी जागना चाहिए, है ना, वी शुड वेक अप अर्ली। शुड का प्रयोग दोस्तों देखिए चाहिए के लिए बहुत सारे जो शब्द हैं हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारा होता है, जैसे कि ought to है, must है ना, डिफरेंस क्या है शुड के लिए मैं बता देता हूँ। पहले शुड में क्या होता है कि ये आपको दिखाता है कर्तव्य, उठना चाहिए, नहीं उठना है मत उठो, है ना, समझ में आ रहा है, तो ये एक नॉर्मल सा सलाह होता है, सुझाव होता है, हमें जल्दी जागना चाहिए, हमें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें समय पर काम करना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, तो चाहिए, करना ना करना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इस तरह के वाक्य में शुड का प्रयोग होता है। और बाकी क्या डिफरेंस है शुड में, ऑट टू में, इसके लिए कन्फ्यूजिंग वर्ड का जो हमारा सीरीज है क्लासेस है ऑलरेडी आ चुका है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स बाय बी बैंकर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सारे जो शब्द आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब जो बताए हैं आप समझ चुके हैं, इसके प्रयोग को सीखे हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस होमवर्क टाइम करना क्या है दोस्तों, कोशिश कीजिए सब पे एक एक सेंटेंस बना दीजिए, या कम से कम लास्ट 5 हेल्पिंग वर्ब पे आप एक सेंटेंस बनाइए, ठीक है, ये आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, अंग्रेजी सीख पाएंगे, क्लियर है। एंड वी हैव सम फ्लेक्सी प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइस, अगर आपको इन सब की ज़रूरत हो तो आप हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। प्रोडक्ट्स एंड क्लासेस लाइक जैसे कि ई बुक है हमारे पास, ई बुक को अगर आपके लेने की इच्छा हो तो इस ई बुक को लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह आपको भरना पड़ेगा, भर के फर्दर प्रोसीजर को पूरा करके जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे करके इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ये बुक जो है हमारा 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश क्लास का जो कोर्स है उसी पर आधारित है, वीडियोज़ जो है चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वीडियोज़ को देखिए, और उसी पर आधारित है ये बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू डेफिनेटली। एंड प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है दोस्तों, अगर आप इसको करने की इच्छा हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे जो गाइडलाइंस आएंगी उन्हीं के अनुसार काम करेंगे। एंड मस्ट रिमेंबर कोर्स का नाम जरूर वहाँ पे मेंशन कीजिएगा ताकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स प्रॉपरली आपको रिप्लाई कर सके, क्लियर है। नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ये ग्रामर लवर्स के लिए है एंड स्पेशली वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक SSC PSC CTET CLAT MBA एग्जाम्स, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, एक ग्रामर स्पेशल कोर्स है, तो इसको अगर करने की इच्छा हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर सेम है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, बच्चों के लिए हमारा एक स्पेशली डिजाइन कोर्स है दोस्तों, करने की इच्छा हो तो इसमें पेरेंट्स को थोड़ा इनिशिएट करना होगा, गार्जियन को थोड़ा इनिशिएट करना होगा, प्रोसीजर उन्हीं को आके कंप्लीट करना है, इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स का नाम मेंशन कीजिए और आपको वहाँ पे जो ब्रोशर मिलेगा ब्रोशर के अनुसार आप वहाँ पे फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसको पूरा कीजिएगा,
ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल स्कूल गोअर्स बच्चों के लिए हमारा ग्रामर एंड राइटिंग का एक सीरीज़ है, कोर्स है। इसको करने की इच्छा हो तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। अगेन से बहुत से जो बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है राइटिंग में, ग्रामर के साथ साथ उनका राइटिंग भी बहुत प्रॉब्लम होता है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, तरह तरह के राइटिंग होते हैं, है ना। इतने की सीबीएसई भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या राइटिंग बच्चों को दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे ही राइटिंग की पूरी सीरीज़ आपको मिलती है इस कोर्स में। एंड अगेन से प्रीमियम कॉम्पिटिव इंग्लिश कोर्स दैट इज़ फॉर बैंक एसएससी पीएससी सीटेट क्लैट एमबीए एग्जाम्स के बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए इंग्लिश कंप्लीट सॉल्यूशन है इस कोर्स में। इनके इनमें आपको ग्रामर के साथ साथ पैराजम्बल्स, पैराकॉम्प्लेशंस, स्पॉट द एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन मिलता है। आरसी को कैसे टैकल करना है, हर तरह के जो गुर हैं सिखाए गए हैं इस कोर्स में। तो ज़रूर से ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के जो भी आपको क्वेरी होगा व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही ऑसम वीडियोस के लिए बी बैंक के साथ, विविध बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स और नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।